हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट आ करता हूँ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। तो जैसा कि हमने टू वेरिएबल में देखा था, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल में कैसे मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं। हालांकि जैम के क्वेश्चन में तो नहीं आया अभी तक, जैम में नहीं आया इसका क्वेश्चन, लेकिन तब पर भी हमें ये चीज पढ़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको मैक्सिमा मिनिमा ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों को पढ़ना है थ्री वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले मैं यहां पर बताऊंगा आपको नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम, नेसेसरी कंडीशंस फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी। यहां पर मैं थ्री वेरिएबल्स बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की बात हो रही है। वहां पर टू वेरिएबल में हम लोगों ने देखा था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की बात हो रही थी एट पॉइंट ए कॉमा बी। तो यहां पर अगर मैं थ्री वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा, फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एट ए कॉमा बी कॉमा सी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये नेसेसरी कंडीशन मेरे पास क्या होगी कि फिर से वही चीज करेंगे, जो मेरे पास फंक्शन होगा, जो मेरे पास गिवन फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसको समथिंग कुछ भी होगा, हमें क्या करना होगा, फर्स्ट करना होगा डेल एफ लाइक एफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एफ वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या होना चाहिए, डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड एफ जेड डेल एफ ओवर डेल जेड इसको तो जीरो होना चाहिए। ये मेरे पास नेसेसरी कंडीशन है, इट मींस ये तो मेरे पास जीरो होना ही चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा की एग्जिस्टेंस के लिए, कि फंक्शन कहां पर मैक्सिमा होगा कहां पर मिनिमा होगा। इसका ग्राफ तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, ग्राफ नहीं दिखा सकता इसका, तो यहां पर मुझे ये चीज देखना होगा कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा मुझे चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एफ एक्स जीरो करना पड़ेगा, एफ वाई जीरो करना पड़ेगा, एफ जेड जीरो करना ही पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमा मिनिमा देख पाओगे। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये जीरो है, ये अगर मेरे पास जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा ही। ये अगर मेरे पास, जैसे कि मैंने टू वेरिएबल्स में भी बताया था आपको कि वहां पर अगर डेल एफ ओवर डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई अगर दोनों जीरो है तो यहां पर कोई जरूरी नहीं था कि मेरे पास फंक्शन जो होगा मिनिमा या मैक्सिमा देगा ही, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी दे सकता है। तो यहां पर भी सेम बात है, सब लिंक करते जाइए, सब कुछ सेम है, अगर देखा जाए तो सब कुछ सेम है। तो यहां पर भी लिंक करिए बस, आप और कुछ नहीं करना आपको। तो यहां पर लाइक ये सफिशियंट कंडीशन नहीं है, ये सफिशियंट कंडीशन नहीं है, इट्स नॉट अ सफिशियंट कंडीशन। मतलब क्या है कि ये जीरो होगा तो मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा ही। तो यहां पर मैं लिख दूं इट्स नॉट सफिशियंट कंडीशन। हाँ, तो अब देखिए सफिशियंट कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये जीरो होना चाहिए। देखिए सफिशियंट कंडीशन क्या होगी मेरे पास, सफिशियंट कंडीशन क्या होगी मेरे पास, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे सफिशियंट कंडीशन के लिए, कि नेसेसरी कंडीशन पहले क्या करेंगे, एफ एक्स मेरे पास ये जीरो होना चाहिए, एफ वाई जीरो लाएंगे, एफ जेड जीरो लाएंगे, और फिर मेरे पास जो सफिशियंट कंडीशन आएगी वो क्या करेंगे हम लोग, उससे पहले मैं यहां पर बता दूं स्टेशनरी पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट। इस सफिशियंट कंडीशन से पहले मैं यहां पर आपको बता दूं स्टेशनरी पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट, जैसा कि मैंने टू वेरिएबल्स में आपको बताया था। स्टेशनरी पॉइंट की यहां भी वही डेफिनेशन लगाएंगे हम लोग, स्टेशनरी पॉइंट, बस यहां पर थ्री वेरिएबल्स हैं, स्टेशनरी पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। तो इनकी प्रैक्टिस कर रही है हमको बस, और कुछ नहीं करना है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है मेरे पास, लाइक अ पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट If मैंने क्या बोला है, a point a comma b comma c is called stationary point if first derivative, if all the first derivative of the function vanishes
वैनिश एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अगर मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा सी पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे कि मैं बताऊं आपको, एफ एक्स मैंने किया, एफ वाई किया, एफ जेड किया, जीरो हो गया, तो हम लोग बोलते हैं वो स्टेशनरी पॉइंट है, लाइक क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो ये मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। और फिर उसी तरह एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट विच इज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, विच इज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट है वो। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट की वही मैं लिंक कर रहा हूँ टू वेरिएबल से, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है फ्रेंड, तो उसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, वही लिख सकते हैं हम लोग, स्टेशनरी पॉइंट विच इज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हम लोग बोलेंगे उसे एक्सट्रीम पॉइंट होगा, जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलने के चांसेस होंगे, जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो अब वर्किंग रूल बताऊंगा आपको कि इसको करते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा हमें तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, माइंड चलाना ही नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सब ऐसे टॉपिक है ना, इनमें माइंड चलाना ही नहीं है आपको, बस क्वेश्चन मिलेगा तो बस डट जाना है, ऐसा टॉपिक है कि माइंड नहीं चलाना आपको, स्टेप वाइज स्टेप बस वर्क करना है आपको, स्टेप वाइज स्टेप आपको वर्क करते रहना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना आपको। तो वर्किंग रूल क्या होगा यहां पर, जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो यहां पर वर्किंग रूल क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, f of x comma y comma z आपको गिवन होगा, f of x comma y comma z ये आपको गिवन होगा, ये गिवन होगा, आपको क्या करना है, वही चीज करना है, f x फाइंड करना है, फिर f y फाइंड करना है, उसको जीरो रखना है, एफ जेड फाइन करना है, उसको जीरो रखना है। आपको क्या करना है, एफ एक्स फाइन करना है, उसको जीरो रखना है, एफ वाई फाइन करना है, उसको जीरो रखना है, एफ जेड फाइन करना है, उसको जीरो रखना है। यहां से क्या होगा, यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी, मतलब क्या है इसका, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, यहां से क्या निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। सब कुछ लिंक करो भाई, सब कुछ लिंक करो टू वेरिएबल से, वही है और कुछ नहीं है यहां पर, ये नया कुछ नहीं है। तो एफ एक्स फाइन करना है, एफ वाई फाइन करना है, एफ जेड, यहां से मुझे पॉइंट मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। अगर मुझे पॉइंट नहीं गिवन है तो मुझे पॉइंट मिलेंगे कि वहां से देखो कि किन पॉइंट पर ये मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो वहां से मुझे पॉइंट मिलेंगे। ओके, फिर हमें क्या करना होगा, फिर वही चीज करना है, fxx फाइंड करना है, fyy फाइंड करना है, fzz फाइंड करना है, fzz फाइंड करना है। तो यहां पर z बढ़ गया ना और सारी चीजें तो सिमिलर है, यहां पर z बढ़ गया और सारी चीजें क्या है, सिमिलर है, तो बस यही करना है आपको, fzz हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब कॉम्बिनेशन देखिए, एफ एक्स वाई करना होगा, फाइंड करना होगा, फिर एफ वाई जेड फाइंड करना होगा, और फिर क्या फाइंड करना होगा, एफ जेड एक्स फाइंड करना होगा। तो ये फाइंड करना होगा आपको, ये फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा, और ये फाइंड करना है, बस हो गया। इसको इतनी चीजें आपको यहां पर फाइंड करनी है। देखिए करना क्या है आपको, वर्किंग रूल क्या है, पहले एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फंक्शन आपको गिवन होगा, फिर आप क्या करेंगे, एफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ वाई फाइंड करेंगे, एफ जेड फाइंड करेंगे, उसको जीरो रखेंगे, उसको जीरो रखेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स एक्स क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यार इसको तो जान ही चुके होंगे आप अच्छे से। ये क्या होता है, एफ वाई वाई क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, एफ जेड जेड क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है, और यहां पर क्या होता है, एफ एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड डेल एक्स। तो ये मैं यहां पर फाइंड करूंगा, यहां पर हम लोग इसे ऐसा फाइंड करेंगे। इतना अगर कर लिया, फिर देखिए मैक्सिमम मिनिमा कहां पर देखना होता है, अगर मान लीजिए पॉइंट दिया होगा आपको कि इस पॉइंट पर निकालो, 1, 2, 3 दे दिया जाएगा कि इस पॉइंट पर निकालो, तो फिर आपको क्या करना है, उसी पॉइंट पर वैल्यू रख देना, लाइक उसी पॉइंट को रख देना इनमें, इनमें रख देना, क्योंकि ये वेरिएबल्स निकलेंगे कुछ कुछ ना कुछ ऐसे टाइप के वेरिएबल्स सब में निकलेंगे, एक्स वाई के टर्म में निकलेंगे सारे, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां रख देनी है। तो यहां पर ये मेरे पास कुछ वैल्यूज आएंगे, क्या आएंगे, कुछ वैल्यूज आएंगे। देखिए ये अभी तो मैं नॉर्मली बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें तो आपको समझ आ ही जाएगा। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या मैंने बताया, एफ एक्स वाई एफ वाई जेड एफ जेड एक्स, ये क्या है, ये एक वैल्यू निकलेंगे आपकी जिस पॉइंट पर आप फाइंड कर रहे हो। और ये प्रोसेस क्या होगा, अब देखिए, तो ये किसी पॉइंट के लिए होगा, अब देखिए मैक्सिमम मिनिमा दिखा मतलब निकालेंगे कैसे, मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालेंगे उस पॉइंट पर। अब आपको क्या करना है, देखिए स्टार्ट यहां से करना है, एफ एक्स एक्स लिख लो पहला, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, एफ एक्स एक्स हो गया। ओके, फिर क्या है, कॉमा, फिर देखिए, फिर आपको मैट्रिक्स बनानी है, यहां पर मैट्रिक्स बनानी है, कैसे मैट्रिक्स बनानी है वो देख लीजिए आप। यहां पर एफ एक्स एक्स लिखेंगे सबसे पहले आप, फिर आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है, कैसी बनानी है, देखिए मैट्रिक्स में कुछ नहीं, बस पैटर्न लागू करो, इसमें पैटर्न चलाओ। पैटर्न कैसे चलाओगे, पहला जो फर्स्ट होगा जो ए वन वन होगा वो कैसा होगा, एफ एक्स एक्स होगा,
एफ एक्स एक्स होगा और जो आपका ए वन टू होगा, आप समझिए देखिए, आपने अगर एक्स से स्टार्ट किया है एफ एक्स एक्स, फिर यहां पर क्या करिए आप एफ एक्स वाई कर दीजिए, एफ एक्स वाई कर दीजिए, और फिर इसी तरह जब आप ए टू वन पर आएंगे तो यहां पर क्या रखेंगे एफ वाई एक्स, क्योंकि एक्स वाई फिर जेड होता तो जेड करते, तो इसी तरह सेम यहां पर करना है एफ वाई एक्स, और फिर यहां आप समझ गए होंगे कि यहां क्या आएगा एफ वाई वाई आएगा यहां पर, तो यहां पर एफ वाई वाई आएगा, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गई। अच्छा अब आप क्या करेंगे, जो थर्ड वाली करेंगे वो भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, वो भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कैसा, इसी तरह देखिए पैटर्न, हर चीज पैटर्न पर होती है, मैथमेटिक्स ही पूरी पैटर्न है अगर देखा जाए तो यहां पर भी पैटर्न लागू करिए, कैसा एफ एक्स एक्स है, फिर आप क्या करेंगे यहां पर समझ गए होंगे यहां एफ एक्स वाई आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा एफ एक्स जेड आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा इसी तरह ए टू वन में क्या आएगा एफ वाई एक्स आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा एफ वाई वाई आएगा, और फिर यहां क्या आएगा एफ वाई जेड आएगा, तो ये मेरे पास सेकंड बन गई। कुछ भी याद नहीं करना इसमें, इसमें आराम से बस पैटर्न बनाते जाइए, खत्म हो गया। अब आप यहां देखेंगे एफ जेड एक्स देखेंगे, यहां आप समझ गए होंगे क्या आएगा एफ जेड वाई आएगा, और यहां एफ जेड जेड आएगा, तो ये मेरे पास थ्री वेरिएबल्स का था, तो मेरे पास ऐसे थ्री बनेंगे, मेरे पास ये कुछ वैल्यूज आएंगी एफ एक्स एक्स, कुछ वैल्यू होगी मेरे पास, यहां पर कुछ वैल्यू होगी, यहां पर भी कुछ वैल्यू आएगी, यहां पर भी कुछ वैल्यू ही आने वाली है। ओके अब आप देखेंगे यहां पर कि मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कैसे देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कैसे देखेंगे, तो भाई देखो मिनिमा के लिए क्या होगा, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा, ये जो ऊपर देख रहे हो ना आप, ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये सारे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब क्या है मिनिमा के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए कॉमा ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये तीनों पॉजिटिव हो गए तो हम लोग बोलेंगे क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी पर जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो उस पर ये फंक्शन क्या है मिनिमा होगा, जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो, जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, जो मेरे पास अगर एक ही पॉइंट को लेके ये प्रोसेस करोगे आप, ये प्रोसेस जो होता है ना ये एक ही पॉइंट के लिए होता है, दूसरा पॉइंट के लिए अगर फाइंड करना है तो फिर से प्रोसेस ये करो, फिर से ये सब कुछ करना होता है, तो ये याद रखेंगे, तो ये एक ही पॉइंट के लिए होता है, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो वैल्यू रखेंगे तो प्लस 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 आता है, तो हम लोग बोलेंगे मिनिमा है, और अगर ये अल्टरनेटिवली चलता है, अल्टरनेटिवली माइनस प्लस माइनस चलता है, तो हम बोलते हैं मैक्सिमा है, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा बस यही करना है और कुछ नहीं करना है यार, और कुछ भी नहीं करना है आपको, फॉर मैक्सिमा क्या होगा अगर ये अल्टरनेटिवली चलेंगे, अल्टरनेटिवली मैक्सिमा के लिए क्या होगा अल्टरनेटिवली, मैं इसमें देखिए वैल्यू बोल रहा हूं लाइक पॉजिटिव टू आना चाहिए मिनिमा के लिए, पॉजिटिव टू पॉजिटिव समथिंग, पॉजिटिव समथिंग, तो हम बोलेंगे क्या है ये मिनिमा होगा उस पॉइंट पर, और यहां पर अगर अल्टरनेटिवली चलेगा, अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली, तो हम लोग क्या बोलेंगे अल्टरनेटिव लाइक ये माइनस होना चाहिए आपका, फिर प्लस होना चाहिए आपका, फिर ये माइनस होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि उस पॉइंट पर क्या है मैक्सिमा होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी जो पॉइंट हमें गिवन है, जिस पॉइंट पर फाइंड करना है या क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है उस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो तो ये मेरे पास क्या होगा मैक्सिमा होगा, और इसके अलावा कुछ भी हो, साफ साफ बोल रहा हूं इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, खत्म, इसमें कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई डाउटफुल केस नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें, तो यहां पर बस यही करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप है और कुछ नहीं यहां पर, कि अगर मेरे पास तीनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया सीधा बोल देंगे मिनिमा आएगा, अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव से स्टार्ट करना है याद रखिए, नेगेटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पर क्या होगा फंक्शन मैक्सिमा होगा, तो बस हो गया, और इसके अलावा कुछ भी हुआ लाइक तीनों नेगेटिव हो गए, मान लीजिए तीनों नेगेटिव हो गए, नेदर मैक्सिमम नॉन मिनिमा, यहां प्लस आया फिर यहां माइनस आया फिर माइनस आया, नेदर मैक्सिमम नॉन मिनिमा, प्लस माइनस प्लस आया, नेदर मैक्सिमम नॉन मिनिमा, प्लस 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 ही होना चाहिए या प्लस प्लस माइनस हुआ नेदर मैक्सिमम नॉन मिनिमा, इसके अलावा कुछ भी हुआ तो नेदर मैक्सिमम नॉन मिनिमा, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बस हो गया ये, यही वर्किंग रूल है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो आप देखेंगे कि बस यही स्टेप फॉलो करनी है आपको और कुछ नहीं करना है यार, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हालांकि जैम में अभी तक तो इसका क्वेश्चन नहीं आया, जैम में अभी तक तो इसका क्वेश्चन नहीं आया है, तो लेकिन तब पर भी इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी होगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ फ्रेंड, क्वेश्चन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू जेड माइनस एक्स वाई, तो ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, मुझे ये बताना है कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम होगा, किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम मिनिमम होगा, इसका मतलब क्या है क्रिटिकल पॉइंट हमें फाइंड करने होंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होंगे, तो यहां पर मैं फास्ट चलता हूं क्योंकि टू वेरिएबल्स में भी मैं बता चुका हूं आपको, तो एफ एक्स फाइंड करिए इसका, एफ एक्स क्या आएगा मेरे पास टू एक्स प्लस वन माइनस वाई, एफ वाई फाइंड करिए इसका
एफ वाई मतलब कि वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, टू वाई माइनस एक्स, और यहां पर एफ जेड जब फाइंड करेंगे आप तो मेरे पास क्या होगा, टू जेड माइनस टू। अब इनको जीरो के इक्वल पुट करना होगा, जीरो 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 के इक्वल पुट करना होगा इनको, और फिर यहां से इनको वैल्यू निकालनी होगी, इनकी वैल्यू निकालनी होगी, और ये हमने पढ़ रखा है यार एट्थ नाइन्थ आई गेस एट्थ नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी, मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, इसकी वैल्यू आएगी आपकी लाइक हाँ ये जब आप सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड की इक्वेशन तो मेरे पास आएगी माइनस टू कॉमा थ्री, लाइक एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू कॉमा थ्री, वाई की वैल्यू आएगी माइनस वन बाई थ्री, एंड जेड की वैल्यू आएगी मेरे पास वन। तो इस पॉइंट पर मुझे देखना है, यहां पर ये सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, आप सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी है आपको। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, माइनस टू बाई थ्री, हाँ इलेवंथ में आपने सॉल्व किया इसको, ओके माइनस टू बाई थ्री, वाई इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, जेड इक्वल टू वन। अब इस पॉइंट पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, लाइक इस पर देखना है कि फंक्शन मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। अब आपको क्या करना होगा, एफ एक्स एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स एक्स क्या आएगा मेरे पास यहां पर, इसको फिर से डेरिवेट करना है, तो यहां पर क्या आएगा, टू आ जाएगा मेरे पास। एफ वाई जब मैं देखूंगा यहां पर तो क्या आएगा, एफ वाई वाई यहां पर देखूंगा तो क्या आएगा, टू आएगा मेरे पास। एफ जेड जेड देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टू आएगा। ओके अब आप क्या करेंगे कि एफ एक्स एक्स फाइंड कर लिया, एफ वाई वाई फाइंड कर लिया, एफ जेड जेड फाइंड कर लिया, अब आपको क्या करना है, एफ एक्स वाई फाइंड करना होगा, लाइक एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में आप जब डेरिवेट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, माइनस वन आएगा, तो यहां माइनस वन आ गया। एफ वाई जेड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा यहां पर, वाई इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आएगा मेरे पास, और जब आप एफ जेड एक्स करेंगे तो क्या आएगा, लाइक जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर भी जीरो आएगा। या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो भाई, वैल्यू सेम आने वाली है, वैल्यू सेम आने वाली है। तो यहां पर मेरे पास ये हो गया। अब मैंने बताया था आपको क्या करना है, एफ एक्स एक्स करना है कॉमा, फिर मैट्रिक्स बना के एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई करना है, एफ वाई एक्स करना है, एफ वाई वाई करना है, फिर आपको क्या करना है, एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई, पैटर्न देखो भाई पैटर्न, एफ एक्स जेड, फिर आपको क्या करना है, एफ वाई एक्स एफ वाई वाई एफ वाई जेड, और फिर आपको क्या करना है, एफ जेड एक्स एफ जेड वाई एफ जेड जेड। तो यहां पर मेरे पास ये आएगा। ओके अब आप यहां पर क्या करिए, यहां पर वैल्यू रखना स्टार्ट कर दीजिए, एफ एक्स एक्स की एफ एक्स वाई की एफ एक्स जेड की वैल्यू रखना आप स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा यहां पर एफ एक्स एक्स क्या है मेरे पास, प्लस टू है, तो ये प्लस टू आ गया। फिर ये मैट्रिक्स देखेंगे, एफ एक्स एक्स क्या है, टू है, एफ एक्स वाई क्या है मेरे पास, माइनस वन है, एफ वाई एक्स क्या है, सेम है ये, एफ वाई एक्स सेम आएगा हमेशा, माइनस वन ही है, और यहां पर आप जब एफ वाई वाई करेंगे तो क्या है, टू है मेरे पास, और यहां पर जब देखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एफ एक्स एक्स क्या है मेरे पास, टू है। इसमें ज्यादा कुछ फास्ट नहीं है, आप सब कर सकते हैं चीजें, नॉर्मली चीजें सारी, टू आ गया मेरे पास। एफ एक्स वाई क्या आएगा मेरे पास, माइनस वन आएगा, एफ एक्स जेड क्या आएगा, जीरो आएगा मेरे पास, एफ वाई वाई एफ वाई एक्स क्या आएगा, फिर से यही चीजें माइनस वन है, फिर एफ वाई वाई क्या आएगा आपका, टू आएगा, फिर एफ वाई जेड क्या आएगा, एफ वाई जेड ये है, जीरो आएगा, फिर आप देखेंगे एफ जेड एक्स क्या आएगा, एफ जेड एक्स ये है, जीरो आएगा, फिर आप देखेंगे एफ जेड वाई क्या आएगा आपका, जेड वाई जीरो है, फिर आप जेड जेड देखेंगे तो क्या आएगा यहां पर, एफ जेड जेड टू आएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं तुरंत, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लाइक टू आ गया कॉमा, ये क्या आ गया, टू टू या फोर, माइनस करूंगा मैं यहां पर, लाइक फोर माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस वन, तो मेरे पास पॉजिटिव थ्री आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे टू को अगर लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, फोर माइनस प्लस वन ये हो जाएगा, फोर माइनस वन थ्री सिक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें साइन देखने हैं, हमें साइन देखने हैं, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमा होगा इस पॉइंट पर, माइनस टू कॉमा टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री कॉमा वन पर ये क्या होगा, मिनिमा होगा, माइनस वन बाई थ्री एंड वन पर ये फंक्शन जो होगा मिनिमा होगा, बस हमें ये देखना है। अब यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल में देखता हूं, सिंपल सा था, बस स्टेप फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना है यार इसमें, इसीलिए मैंने थोड़ा फास्ट बताया, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो इसमें बड़ा सिंपल प्रोसेस था, और कुछ नहीं करना है। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा और वो लास्ट क्वेश्चन होगा, बस वो लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा वो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड माइनस 24xyz प्लस प्लस a क्यूब प्लस मेरे पास है 24xyz प्लस समथिंग, कुछ गलत है यहाँ पर, ठीक है कोई नहीं, इतना ही जगह है, माइनस 24xyz, और यहां पर पूछा गया आपसे 1,1,1 पर 1,1,1 पर एंड माइनस 1,-1,1 पर, आपको पॉइंट देखने कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, कहां पर मैक्सिमम होगा, लाइक 1,1,1 पर चेक करना है एंड
माइनस वन कहो माइनस वन कहो माइनस वन पर मैक्सिमम होगा फंक्शन की मिनिमम होगा आपको ये देखना है यहाँ पर। फिर से वही करिए अपना घिसा पीटा काम एफ एक्स फाइन करिए। एफ एक्स क्या आएगा मेरे पास थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और x को करेंगे तो 1 आएगा यहां पर क्या आएगा माइनस 3 आ जाएगा यहां पर क्या आएगा माइनस 24 yz आएगा ओके okay? fy करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 3x plus y plus z plus का होल स्क्वायर। तो इसको करने में कोई बहादुरी नहीं है बड़ा सिंपल सा है बस आंख बंद करके करते जाना है तो कुछ नहीं करना है इसमें बस प्रैक्टिस करनी होगी हल्की से आपको बस हो गया। तो यहां पर आएगा ये और माइनस का 3 आ जाएगा और ये मेरे पास क्या होगा माइनस 24 xz आएगा ओके okay? xz क्या आएगा मेरे पास यहां पर 3 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहां पर क्या आएगा माइनस 3 और यहां पर जेड क्या आएगा माइनस 24 एक्स वाई। अब देखिए इसीलिए वो पॉइंट दे देता है क्योंकि जानता है ना आपकी स्ट्रेंथ आपकी क्या हमारी भी स्ट्रेंथ नहीं कि इसको हम सॉल्व कर दें इसको हम सॉल्व करें यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले तो इसलिए वो क्रिटिकल पॉइंट दे देता है कि भाई 1.1.1 में निकाल लो यार। वो आपसे कॉन्सेप्ट का पूछना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं ये सॉल्व नहीं कराना चाहता वो आपसे सॉल्व नहीं कराना चाहता आपसे नहीं तो सॉल्व करते रहो ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर यहां पर करेंगे जब एफ वाई वाई करेंगे आप तो यहां पर क्या आने वाला है 6x प्लस वाई प्लस जेड यहां जीरो हो गया यहां करेंगे फिर ये भी आ जाएगा एफ जेड जेड क्या आ जाएगा मेरे पास 6x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां पर ये आ गया मेरे पास अब मैं fx y निकालूंगा लाइक इसको y के स्पेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 6x plus y plus z और यहां पर क्या आएगा y के स्पेक्ट करूंगा माइनस 24z और अगर मैं fyz करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा y को z के स्पेक्ट करना है इसका मतलब क्या है 6x plus y plus z इसको z के स्पेक्ट करना है माइनस 24x आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं fzx अगर मैं करूंगा तो 6x plus y plus z minus 24y आ जाएगा तो ये मेरे पास ऐसा निकल गया। अब मुझे क्या करना है वही चीज करना है अब मुझे क्या करना होगा कि वही मैट्रिक्स देख लो आप बस हो गया 2 by 2 की मैट्रिक्स देख लो 1 by 1 की देख लो 3 by 3 की देख लो जैसी वैल्यू आए वैसा ही काम कर दो हो गया खत्म। अब आपको क्या करना है कि 2 by 2 की मैट्रिक्स अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं पहले क्या होता है fxx होता है एट पॉइंट 1.1 पर चेक कर रहा हूं मैं पहले एट 1.1.1 पर चेक कर रहा हूं 1.1.1 पर वैल्यू क्या आएगी इसकी 18 आएगी तो मैं सीधा पहले ही 18 लिख दे रहा हूं ये लो डायरेक्ट कर रहा हूं यार। अब यहां पर देखिए अब यहां पर जो मैट्रिक्स बनाऊंगा कैसी बनाऊंगा मैं 2 बाई 2 की क्या होता है fxx होता है मतलब क्या आएगा 18 आएगा फिर आप देखेंगे यहां पर फिर क्या आता है fxy आता है xy की वैल्यू 1.1.1 रखूंगा तो 18 माइनस 24 माइनस 6 माइनस 6 आएगा यहां पर अब फिर से ये माइनस 6 आएगा और ये 18 आ जाएगा हो गया। यहां पर देखते हैं अब यहां पर क्या आएगा मेरे पास 18 फिर आता है fxy क्या आएगा मेरे पास माइनस 6 आएगा फिर मुझे क्या करना होता है fxz करना होता है xz करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा यहां पर भी माइनस 6 ही आएगा क्योंकि आप देखेंगे यहां पर क्या आएगा ये 3 हो जाएगा 6 3 जा 18 माइनस 24 मेरे पास क्या आएगा माइनस 6 आएगा फिर यहां पर क्या आएगा fyy क्या आएगा मेरे पास 18 माइनस सिक्स तो ये मेरे पास ऐसा आएगा। अब आप देखेंगे कि ये क्या होगा पॉजिटिव है और ये भी देखेंगे तो ये भी क्या है ये भी पॉजिटिव है और आप यार कर लेना कैलकुलेशन कर लेना ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव होगा तो यहां पर क्या होगा मिनिमा होगा ये फंक्शन क्या होगा मिनिमा होगा 1.1.1 पर और इसी तरह आप जब -1.-1.-1 पर निकालेंगे तो वो क्या होगा मैक्सिमा होगा वहां पर मैक्सिमा होगा तो ये आप पर छोड़ रहा हूं ये आप कर लेंगे तो यहां पर ऐसे करना है आपको बस हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ भी माइंड नहीं लगाना बस स्टेप वाइज करते रहना हो गया बस पेन चलाना है आपको बस हो गया और कुछ नहीं करना फ्रेंड। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट फिनिश हुआ थैंक्स।